तो ओवरऑल कितने परसेंटेज बनी? 96.4। अलग सर के लेक्चर लेता है फिजिक्स में। किस तरीके से, मतलब उस बैच में तुम्हारी किस तरीके से मदद करी? पहले तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में थोड़ा लगा। सोरिया मैम जो थी वो उन्होंने करा दिया मेरे को, और निहारिका मैम इंग्लिश के। इंग्लिश, इंग्लिश में निहारिका। सही से 9-10 घंटे आगे स्कूल तो पढ़ ले। 9-10 घंटे स्कूल से आने के बाद? तो एनडीए का कोई सा बैच वगैरह कहाँ से तैयारी कर रहे हो मतलब? हाँ एनडीए से, पीडब्ल्यू से सो रहे बैच, डिफेंस वाला। लाइफ में एक गोल सेट होना चाहिए, उस गोल को सेट करो, उसे प्रॉपर फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ, यही बेस्ट चीज। मैंने जितने टॉपर्स से बात करी है सबने यही बोला मतलब कि सर बस ये होना चाहिए कि रेगुलर रहना पड़ेगा। भाई बेहतरीन रिजल्ट आया यार, तुमने तो मस्त मचा रखा। तो मजा आ रहा है अभी, रिजल्ट आया अभी एकदम, बिल्कुल 2 दिन पहले यूपी बोर्ड का, तो एकदम बेहतरीन। बस आसपास वाले लोग पूछ रहे होंगे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, घर वाले सब खुश होंगे एकदम बढ़िया से। बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे रिजल्ट का। तो कैसा रिजल्ट रहा, मतलब एक बार बताओगे कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, टोटल कितने मार्क्स बने, कितनी परसेंटेज बनी, और रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया सबसे पहले देख के? नहीं रिएक्शन तो अच्छा था, मेरे मैथ में 99 मार्क्स आए। तो मैथ सही सब्जेक्ट है, आप उसमें पूरे नंबर ला सकते हो, 99-100 नंबर बड़े आराम से ला सकते हो अगर आप मेहनत कर लो। बढ़िया। एंड फिजिक्स में 97। फिजिक्स में 97। भाई मतलब तेरा मैथमेटिकल वाला जो पोर्शन है वो काफी स्ट्रांग है, दिख रहा है मुझे। ऐसा बस केमिस्ट्री में 94 है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छे मार्क्स है भाई, इतने में 2-3 लड़के इकट्ठे पास हो जाते हैं। हिंदी में 96 है, और इंग्लिश में 96। तो ओवरऑल कितने परसेंटेज बनी? 96.4, 482 मार्क्स बने। 482 मार्क्स में। बढ़िया यार। तो तुम मतलब यूपी से हो, तो यूपी में कहाँ से हो आप? लाखन से, हापुड़, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से। अरे हापुड़। सही है सही है सही है, बढ़िया, जानता हूँ मैं, उधर एक दो बार गया। हापुड़ से तो फिर तुमने पीडब्ल्यू का मतलब कौन कौन से बैच लिए थे, और पीडब्ल्यू ने मतलब जो तुमने ये स्कोर किया इसमें किस तरीके से तुम्हारी मदद की थी, कहाँ तुम्हारी हेल्प की थी मैं पहले तो मैं ओवरऑल? अलग सर के लेक्चर लेता था फिजिक्स में, अच्छा, केवल फिजिक्स वाले अलग सर के पुराने हाँ लेक्चर है। अच्छा पुराना लेक्चर। फिर मैंने पीडब्ल्यू डाउनलोड करा, और फिर जब मैंने देखा कि फ्री विजेता सीरीज जो आ रही जो 24-23 की, हाँ, तो मैंने फाउंडेशन वो डाउन, पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम चैनल पे। हाँ या वो करा मैंने। तो किस तरीके से मतलब उस बैच ने तुम्हारी किस तरीके से मदद करी, मतलब पहले ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो तुम्हें लगा कि थोड़ा सा यार मतलब ये समझ नहीं आ रहा, ये टफ लग रहा है, और उस सीरीज को करने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ चलो ये इम्प्रूव तो हो गया मेरा? पहले तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में थोड़ा लगा। सोरिया मैम जो थी वो उन्होंने करा दिया मेरे को, उनके सही सही सही, बढ़िया। और मैं सारे बाकी लेक्चर कुछ देखे। हाँ सब्जेक्ट, शौर्य सर मैम इंग्लिश के में, सारे लेक्चर निहारिका देखे हैं? मैम इंग्लिश के। इंग्लिश, इंग्लिश में नहीं आ रहा कम। सही है सही है सही है सही है। तो यार जैसे इतने सही नंबर दे रहे हैं, इतने बढ़िया परफॉर्मेंस तुमने 12th में लिया, तो कोई प्रॉपर टाइम टेबल, कोई स्केड्यूल फॉलो किया था? नहीं टाइम तो करा नहीं था मतलब, हाँ सही से 9-10 घंटे आगे स्कूल तो पढ़ ले। 9-10 घंटे स्कूल से आने के बाद? भाई हाँ सोता कितने टाइम थे? 1-2-3 बजे ऐसी प्रॉपर तो टाइम। मेहनत, मेहनत है, मेहनत है, तो वो जो नींद गवाई थी उसकी पूरा फल अब दिख रहा है। नहीं सही बात है यार, सही बात है, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा थोड़ा सा, ये तो है। ठीक है ना। तो यार कोई अब आगे का क्या प्लान है? 12th हो गई है कंप्लीट, 12th में अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, घर वालों का नाम रोशन कर दिया है, ठीक है, आसपास मोहल्ले वालों को पता चल गया है कि भाई शांतनु ने बहुत ही बेहतरीन 12th कर दिया, अब आगे का क्या प्लान है? आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है मेरे को, एनडी की तैयारी कर रहा हूँ इसलिए मैं। अच्छा एनडीए की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया है बढ़िया। तो एनडीए का कोई सा बैच वगैरह कहाँ से तैयारी कर रहे हो, मतलब एनडीए के हाँ एनडी से, फिर पीडब्ल्यू से सो रहे बैच, डिफेंस वाला। जाके शॉट्स लो, बढ़िया से तैयारी करो, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, एग्जाम किस तरीके से होता है, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, नहीं मैंने देख लेक्चर लिया उनकी सारी सारी देखी, हाँ सब कुछ देख लिया। चाहे सारी सब तो कुछ तैयार करके बैठा है बिल्कुल एकदम प्रॉपर की हाँ अब आएगा तो अब बिल्कुल एकदम मचा देंगे। सही है यार। नहीं अच्छा है, लाइफ में एक गोल सेट होना चाहिए, उस गोल को सेट करो, उसे प्रॉपर फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ, यही बेस्ट चीज। नहीं बढ़िया। तो यार अपने कोई अब जैसे अब तुम्हारे 11th क्लास के जो जूनियर हैं वो 12th में आएंगे, तो उनके लिए कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी कि भाई वो क्या फॉलो करेंगे, किस तरह बेहतर नंबर ला सके, कुछ है ऐसा कोई स्ट्रेटेजी जो तूने फॉलो करी जो जिससे तरह इतने सही मार्क्स आए?
मैं तो पहले मतलब कुछ जो भी मैम, आइडिया। हाँ मैम के लेक्चर देखता था केमिस्ट्री में, एंड देन अगले दिन सुबह का टाइम रिवीजन, मतलब वो कहा ये है कि कि हाँ जिस दिन लेक्चर लेक्चर देखो देखो, हाथों हाथ उसके रिवीजन करते हुए चलो, ठीक है। मतलब अगर हाँ रिवीजन प्रैक्टिस, लेक्चर देख हाँ रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस हाथों हाथ होनी चाहिए। सही 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 है। तो और इसके अलावा और कुछ बताना चाहे कि भाई क्या करना चाहिए 12th में क्या नहीं? क्योंकि भाई देख अभी जितने अच्छे से उन्हें परफॉर्म किया है उस हिसाब से अभी तो अपने आने वाले जूनियर्स का रोल मॉडल है, समझ रहा है कि भाई इतने नंबर तो मेरे आ जाने चाहिए जितने इस भाई के हैं। अभी जब ये चीजें बाहर जाएंगी तो तू देख के खुद कहेगा कि हाँ यार बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि यार मेरे भी इतने नंबर आने चाहिए जितने शांतनु भैया के आए हैं। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसे कुछ बताना चाहेगा कि हाँ कुछ बोलना चाहेगा? क्योंकि देख मुझे तो ये लगता है कि भाई कंसिस्टेंसी रेगुलरली, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ रेगुलर रिवीजन ना, डेली मतलब रैंडमली पढ़ाई नहीं, डेली पढ़ाई बिल्कुल, कि हाँ वही ये सेम चीज आज में जितने पढ़े टॉपर्स कल से नहीं मैंने पढ़े। हाँ मैंने जितने टॉपर्स से बात करी है सबने यही बोला है, मतलब कि सर बस ये होना चाहिए कि रेगुलर रहना पड़ेगा। टाइम प्रॉपर ना हो पर हाँ रेगुलर पढ़ना चाहिए। हाँ तो वही चीज जिसपे हम बात कर रहे थे कि यार मतलब अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मतलब आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, चाहे आप वो क्लासेस कर रहे हो, चाहे आप वो प्रैक्टिस शीट कर रहे हो, चाहे आप डीएचएस कर रहे हो, आपको रेगुलर रहना। जैसे अभी तुमने भी बोला कि भाई रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही बात भी है वो। तो अभी आगे के लिए क्या कुछ प्रॉपर प्लानिंग वगैरह कर रखी है एनडीए के लिए? जब डिफेंस तुमने लेना ही है और शौर्य बैच ऑलरेडी तुमने ज्वाइन कर ही लिया, तो अब आगे का कुछ सोचा है कि मतलब प्लानिंग कैसे करनी है प्रॉपर, जाना कैसे, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन तो है। वो या अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करूंगा मैं तो मुझे दिख रहा है, एनडीए। जैसे जैसे आपने बताया कि भाई आप बोर्ड्स के लिए 10 घंटे दे रहे थे रोज रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे दिख रहा है कि डिफेंस के लिए तुम कितनी मेहनत करने वाले हो। नहीं अच्छी बात है यार, मतलब अभी जो टाइम है तुम्हारी लाइफ का वो यही वाला टाइम है जिसमें तुम मेहनत करके अपनी एक अच्छी लाइफ सेट कर सकते हो। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था अभी जब क्या कहते हैं रिजल्ट आया था? नहीं अच्छा, पेरेंट्स ये अच्छा रिएक्शन था, प्राउड फील कर रहे थे। तो यार एक बात बताओ, जैसे अभी कुछ जगह पे क्या होता है कि पेरेंट्स को ऐसे बिलीव नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स को अब नए हैं अपने जमाने वाले हैं, तो उन्हें पता है कि यार ऑनलाइन से भी पढ़ाई होती है, बहुत बढ़िया पढ़ाई हम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, वो जानते हैं। ठीक है, बट जो हमारे पेरेंट्स मतलब जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उन्हें ये लगता है कि यार ऑनलाइन तो बच्चे बस मजे ही करते होंगे, बातचीत ही करते होंगे, पढ़ाई क्या करेंगे? तो उन्हें क्या बोलना चाहोगे कि हाँ ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन पढ़ के भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है? अभी डिफेंस के भी लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, हाँ इस साल भी किया है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलना चाहोगे कि भाई जो पेरेंट्स हैं उन्हें चीज समझ में आए कि यार ऑनलाइन से भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ रहा है आजकल, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहां से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कोई सजेशन, उन्हें कुछ बताना चाहते हो आप? ऑनलाइन वाले सही रहते, कंसिस्टेंसी जो रहती है ना बैठने की, मतलब 1-2 घंटे लेक्चर लेना पूरा, वो पड़ेगा लेना। हाँ मतलब वही है कि आपको बैठना पड़ेगा, आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी। सही बात। तो जब तुमने अपने पेरेंट्स को बताया था कि भाई मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने कुछ कहा था? नहीं, उन्होंने तो फोन मेरे को नहीं। फोन ही उनसे कह के तो फोन लिया था मैंने। अच्छा नहीं, सही है, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। और अपना आप डिफेंस की तैयारी करो जितना बेहतरीन तरीके से। तुमने 12th में फोड़ा है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, टीचर्स का नाम रोशन किया है, पीडब्ल्यू का नाम रोशन किया है, भाई डिफेंस मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही परफॉर्म करो बेहतरीन तरीके से, जाओ मस्त अपने रिजल्ट निकालो डिफेंस में, जल्दी से जल्दी अपना डिफेंस ज्वाइन करो, बढ़िया भाई, तुम जैसे लोगों की जरूरत है, तुम जैसे बालकों के मोटिवेटेड बच्चों की जरूरत है। चलो ओके okay. शांतनु कुछ कहना है? नहीं हाँ बस रेगुलर मतलब मेहनत करते रहो बस, काम है अभी तुम्हारे हाथ में। सही बात सही बात सही बात। चलो थैंक यू सो मच शांतनु यार, बात करके बहुत अच्छी लगी भाई, थैंक यू सो बेहतरीन रिजल्ट आया यार, तुमने तो मस्त मचा रखा है, तो मच। या मजा आ रहा है अभी रिजल्ट आया अभी एकदम बिल्कुल 2 दिन पहले यूपी बोर्ड का, तो एकदम बेहतरीन, बस आसपास वाले लोग पूछ रहे होंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, घर वाले सब खुश होंगे एकदम बढ़िया से, बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे रिजल्ट का। यस तो कैसा रिजल्ट रहा, मतलब एक बार बताओगे कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, टोटल कितने मार्क्स बने, कितनी परसेंटेज बनी, और रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया सबसे पहले देख के? अच्छा नहीं रिएक्शन तो अच्छा था, मेरे मैथ में 99 मार्क्स आए। तो मैथ सही सब्जेक्ट है, आप उसमें पूरे नंबर ला सकते हो, 99-100 नंबर बड़े आराम से ला सकते हो हाँ अगर आप मेहनत कर एंड लो। बढ़िया, फिजिक्स में 97।
XU 97 भाई, मतलब तेरा मैथमेटिकल वाला जो पोर्शन है वो काफी स्ट्रांग है, दिख रहा है मुझे। ऐसा बस केमिस्ट्री में 94 है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छे मार्क्स है भाई, इतने में दो तीन लड़के इकट्ठे पास हो जाते हैं। या हिंदी में 96 है, और इंग्लिश में 96, तो ओवरऑल कितने परसेंटेज बनी? 96.4, 482 मार्क्स बने। 482 मार्क्स में। तो बढ़िया यार, तो तुम मतलब यूपी से हो, तो यूपी में कहाँ से हो आप? लाखन से, हापुड़, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से। अरे हापुड़। सही है सही है सही है, बढ़िया, जानता हूँ मैं, उधर एक दो बार गया। हापुड़ से तो फिर तुमने पीडब्ल्यू का मतलब कौन कौन से बैच लिए थे, और पीडब्ल्यू ने मतलब जो तुमने ये स्कोर किया इसमें किस तरीके से तुम्हारी मदद की थी, कहाँ तुम्हारी हेल्प की थी मैं पहले तो मैं ओवरऑल? अलग सर के लेक्चर लेता था फिजिक्स में, अच्छा, केवल फिजिक्स वीडियो अलग सर के पुराने हाँ लेक्चर है। अच्छा पुराना लेक्चर, फिर मैंने पीडब्ल्यू डाउनलोड करा। अब फिर जब मैंने देखा कि फ्री विजेता सीरीज जो आ रही जो 24-23 की, हाँ, और वो फाउंडेशन इम्पोर्ट डाउन, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम चैनल पे। हाँ या वो करा मैंने। तो किस तरीके से मतलब उस बैच ने तुम्हारी किस तरीके से मदद करी, मतलब पहले ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो तुम्हें लगा कि थोड़ा सा यार मतलब ये समझ नहीं आ रहा, ये टफ लग रहा है, और उस सीरीज को करने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ चलो ये इम्प्रूव तो हो गया मेरा? पहले तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में थोड़ा लगा, सौर्या मैम जो थी वो उन्होंने करा दिया मेरे को, उनके सही सही सही, बढ़िया। और मैं सारे बाकी लेक्चर कुछ देखे। हाँ सब्जेक्ट, शौर्य मैम के इंग्लिश सारे में लेक्चर देखे हैं? अनिहारिका मैम इंग्लिश के, हाँ इंग्लिश, इंग्लिश में नहीं आ रहा। सही है सही है सही है सही है। तो यार जैसे इतने सही नंबर दे रहे हैं, इतने बढ़िया परफॉर्मेंस तुमने 12th में दिया, तो कोई प्रॉपर टाइम टेबल, कोई स्केड्यूल फॉलो किया था? नहीं टाइम तो करा नहीं था मतलब, हाँ सही से 9-10 घंटे आगे स्कूल से पढ़ ले। 9-10 घंटे स्कूल से आने के बाद? भाई हाँ सोता कितने टाइम थे? 1-2-3 बजे ऐसी प्रॉपर मेहनत टाइम। मेहनत है, मेहनत है। तो वो जो नींद गवाई थी उसकी पूरा फल अब दिख रहा है। नहीं सही बात है यार, सही बात है, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा थोड़ा सा, ये तो है। ठीक है, तो यार कोई अब आगे का क्या प्लान है? 12th हो गई है कंप्लीट, 12th में अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, घर वालों का नाम रोशन कर दिया है, ठीक है, आसपास मोहल्ले वालों को पता चल गया है कि भाई शांतनु ने बहुत ही बेहतरीन 12th कर दिया, अब आगे का क्या प्लान है? आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है मेरे को, एनडी की तैयारी कर रहा हूँ इसलिए मैं। अच्छा, एनडीए की तैयारी कर रहे हो? बढ़िया है बढ़िया। तो एनडीए का कोई सा बैच वगैरह कहाँ से तैयारी कर रहे हो, मतलब एनडीए के हाँ एनडी से, फिर पीडब्ल्यू से सो रहे बैच डिफेंस वाला। जाके शॉट्स लो, बढ़िया से तैयारी करो, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, एग्जाम किस तरीके से होता है, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, मैंने देख लेक्चर लिया उनके सारी सारी भी देखी, हाँ सब कुछ देख लिया। सारी सब तो कुछ तैयार करके बैठा है बिल्कुल एकदम प्रॉपर कि हाँ अब आएगा तो अब बिल्कुल एकदम मचा देंगे। सही है यार, नहीं अच्छा है, लाइफ में एक गोल सेट होना चाहिए, उस गोल को सेट करो, उसे प्रॉपर फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ, यही बेस्ट चीज। नहीं बढ़िया है। तो यार अपने कोई, अब जैसे अब तुम्हारे 11th क्लास के जो जूनियर हैं वो 12th में आएंगे, तो उनके लिए कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी कि भाई वो क्या फॉलो करेंगे, किस तरह बेहतर नंबर ला सके, कुछ है ऐसा कोई स्ट्रेटेजी जो तूने फॉलो करी जो जिससे तेरे इतने सही मार्क्स आए, मैं तो पहले कुछ भी मतलब कुछ जो भी मैम, आइडिया? हाँ मैम के लेक्चर देखता था केमिस्ट्री में, एंड देन अगले दिन सुबह को टाइम रिवीजन। मतलब वही है कि हाँ जिस दिन लेक्चर देखो लेक्चर हाथों हाथ उसके रिवीजन करते हुए चलो, ठीक है, मतलब अगर रिवीजन प्रैक्टिस, लेक्चर देख हाँ रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस हाथों हाथ होनी चाहिए। सही 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 बात। तो और इसके अलावा और कुछ बताना चाहे कि भाई क्या करना चाहिए 12th में क्या नहीं, क्योंकि भाई देख अभी जितने अच्छे से उन्हें परफॉर्म किया है उस हिसाब से अभी तो अपने आने वाले जूनियर्स का रोल मॉडल है, समझ रहा है कि भाई इतने नंबर तो मेरे आ जाने चाहिए जितने इस भाई के आए। अभी जब ये चीजें बाहर जाएंगी तो तू देख के खुद कहेगा कि हाँ यार बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि यार मेरे भी इतने नंबर आने चाहिए जितने शांतनु भैया के आए हैं, ठीक है, तो क्या कुछ ऐसे कुछ बताना चाहेगा कि हाँ कुछ बोलना चाहेगा? क्योंकि देख मुझे तो ये लगता है कि भाई कंसिस्टेंसी बहुत रेगुलरली, ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ रेगुलर रिवीजन ना, और डेली मतलब रैंडमली पढ़ाई नहीं, डेली पढ़ाई बिल्कुल, हाँ वही, ये सेम कि चीज में आज जितने पढ़े कल टॉपर्स से नहीं पढ़े। मैंने जितने टॉपर्स से बात करी है सबने यही बोला है, मतलब कि सर बस ये होना चाहिए कि रेगुलर रहना पड़ेगा। टाइम प्रॉपर ना हो पर हाँ रेगुलर पढ़ना चाहिए। हाँ तो वही चीज इस पे हम बात कर रहे थे कि यार मतलब अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मतलब आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, चाहे आप वो क्लासेस कर रहे हो, चाहे आप वो प्रैक्टिस शीट कर रहे हो, चाहे आप डीएचएस कर रहे हो, आपको रेगुलर रहना।
जैसा अभी तुमने भी बोला कि भाई रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी, सही बात भी है वो। तो अभी आगे के लिए क्या कुछ प्रॉपर प्लानिंग वगैरह कर रखी है एनडीए के लिए, जब डिफेंस तुम्हें लेना ही है और शौर्य बैच ऑलरेडी तुमने ज्वाइन कर ही लिया, तो अब आगे का कुछ सोचा है कि मतलब प्लानिंग कैसे करनी है, प्रॉपर जाना कैसे, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन तो है। वो अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करूंगा मैं तो मुझे दिख रहा है, एनडीए। जैसे जैसे आपने बताया कि भाई आप बोर्ड्स के लिए 10 घंटे दे रहे थे रोज रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे दिख रहा है कि डिफेंस के लिए तुम कितनी मेहनत करने वाले हो। नहीं अच्छी बात है यार, मतलब अभी जो टाइम है तुम्हारी लाइफ का वो यही वाला टाइम है जिसमें तुम मेहनत करके अपनी एक अच्छी लाइफ सेट कर सकते हो। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था अभी जब क्या कहते हैं रिजल्ट आया था, नहीं अच्छा, पेरेंट्स का ये अच्छा रिएक्शन था, प्राउड फील कर रहे थे। सही। तो यार एक बात बताओ, जैसे अभी कुछ जगह पे क्या होता है कि पेरेंट्स को ऐसे बिलीव नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अब नए हैं अपने जमाने वाले हैं, तो उन्हें पता है कि यार ऑनलाइन से भी पढ़ाई होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाई हम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, वो जानते हैं ठीक है। बट जो हमारे पेरेंट्स मतलब जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन्हें ये लगता है कि यार ऑनलाइन तो बच्चे बस मजे ही करते होंगे, बातचीत ही करते होंगे, पढ़ाई क्या करेंगे। तो उन्हें क्या बोलना चाहोगे कि हाँ ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन पढ़ के भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अभी डिफेंस के भी लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया हाँ है, इस साल भी किया है ठीक है। तो उन्हें क्या बोलना चाहोगे कि भाई जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये चीज समझ में आए कि यार ऑनलाइन से भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ रहा है आजकल, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहां से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कोई सजेशन, उन्हें कुछ बताना चाहते हो आप। ऑनलाइन वाले सही रहते, कंसिस्टेंसी जो रहती है ना बैठने की, मतलब 1-2 घंटे लेक्चर लेना पूरा वो पड़ेगा लेना। हाँ मतलब वही है कि आपको बैठना पड़ेगा, आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी, सही बात। तो जब तुमने अपने पेरेंट्स को बताया था कि भाई मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ कहा था? नहीं, उन्होंने तो फोन मेरे को अच्छा फोन ही उनसे कह के तो फोन लिया था मैंने। नहीं सही है, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। और अपना आप डिफेंस की तैयारी करो जितना बेहतरीन तरीके से तुमने 12th में फोड़ा है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, टीचर्स का नाम रोशन किया है, पीडब्ल्यू का नाम रोशन किया है, भाई डिफेंस मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही परफॉर्म करो बेहतरीन तरीके से, जाओ मस्त अपने रिजल्ट निकालो डिफेंस में, जल्दी से जल्दी अपना डिफेंस ज्वाइन करो, बढ़िया भाई तुम जैसे लोगों की जरूरत है, तुम जैसे बालकों की मोटिवेटेड बच्चों की जरूरत है। चलो ओके शांतनु कुछ कहना है? नहीं हाँ, बस रेगुलर मतलब मेहनत करते रहो, बस काम है अभी तुम्हारे हाथ में। सही बात सही बात सही बात। चलो थैंक यू सो मच शांतनु यार, बात करके बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।